क्या आपके भी मोबाइल में जियो सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में जियो सिम में नेटवर्क वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल में नेटवर्क कैसे ला सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके मोबाइल में जियो सिम के नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर आप कैसे सही कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो जाती है जिनके कारण सेटिंग में प्रॉब्लम होती है, फिर आपके नेटवर्क में इरर आ रहा है, तो उसे यहाँ पर आप अगर टेम्परेरली है तो उसे यहाँ पर बहुत ही ईजिली तरीके से सही कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने नोटिफिकेशन को इस तरीके से यहाँ पर डाउन करेंगे और सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप फ्लाइट मोड इस तरीके से लगाएंगे और उसे अनटिक कर देंगे। अगर आपके मोबाइल में एक छोटा मोटा नेटवर्क इशू होगा जिसके कारण यहाँ पर देखिए ऊपर अगर टावर नहीं आ रहे हैं तो वो रिफ्रेश हो जाएगा आपका नेटवर्क और आपके यहाँ पर नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटी मिस्टेक थी, आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आपको ये देख लेना जरूरी है ताकि आपके अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पर इसे सही कर। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और जहां पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने देखिए सेटिंग में कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहां पर कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड एस मोबाइल डाटा, आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए आपके मोबाइल में यहां पर कैश सिम है एक या दो, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि किस सिम में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि हमारे यहां पर 1-2 है लेकिन हमने सिम 1 ही डाल रखा है तो उसमें ही प्रॉब्लम है। चलिए हम यहां पर 1 पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है कैरियर का, सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए ये ऑटो जो सिलेक्ट है यहां पर ये कैरियर पर ये ऑटो सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ये ऑफ होगा यहां से, चलिए ऑफ करने का भी ऑप्शन आता है, अगर हम ऑफ कर देते हैं या बाय मिस्टेक डिफॉल्ट गलती से भी अगर ये ऑफ हो जाता है तो जो आपके नेटवर्क इशू होते हैं जैसे 2G 3G 4G जो भी जितना भी कनेक्शन होता ना वो उसका कट जाता है तो आपके मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका चेक कर लेना, ये ऑन होना चाहिए। बाकी अब चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या होती है। जैसे कि आपने अपने सेटिंग में जाकर कोई भी मिस्टेक कर दिया, कोई भी गलती कर दी या फिर आपने कुछ भी सेटिंग में मिस्टेक किया है या फिर, तो नीचे आएंगे इसके लिए और यहां पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग्स का, यहां पर देखिए एडिशनल सेटिंग, आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रिसेट का, आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए नीचे इसके बाद मिलेगा इरेस ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट, आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए एक आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, या फिर आपके में यहां पर ये भी एक और ऑप्शन हो सकता है कि रिसेट नेटवर्क सिस्टम सेटिंग्स ओनली, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और क्योंकि सभी मोबाइल की थोड़ी सेटिंग अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन सेटिंग होती जरूर है, थोड़ा अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस किया हुआ है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। रिसेट सिस्टम सेटिंग पे आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और आपको अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहां पर डाल लेना है। जैसे अपने मोबाइल का पासवर्ड डालेंगे तो नीचे लिख के आएगा रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, लेकिन इसको यहां पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि इससे होता क्या है। देखिए जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे अगर आपने अपने मोबाइल में कोई भी सेटिंग में मिस्टेक की होगी, कोई भी प्रॉब्लम की होगी, तो वो सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि एक कंपनी का न्यू मोबाइल आता है ना तो जो नई सेटिंग्स होती है वैसे होगी और सारी सेटिंग जो होंगी वो रिसेट हो जाएंगी, फॉरवर्ड हो जाएंगी, बिल्कुल जैसे जो कंपनी की तरफ से सेट होकर आती है वही फिर से एक बार आपके मोबाइल में सारी सेटिंग्स सेट हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आपको यहां पर रिसेट सिस्टम पर क्लिक करना है और एक बार फिर से आप ये कंफर्म करके पूछना चाहेगा कि आप गलती से तो नहीं कर रहे हैं, अगर आप वाकई में करना चाहते हो तो आपको दोबारा फिर से क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए रिस्टोरिंग हो जाएगा और आपको जो भी नेटवर्क इशू या सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और कृपया ध्यान दें, एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप जिस भी क्षेत्र या एरिया में रहते हैं वहाँ पर जियो का नेटवर्क प्रॉपर आता है और अब इस समय नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर, अगर आपके वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता है तो वो यहाँ पर नहीं सही हो पाएगा। आप अपने फ्रेंड के मोबाइल में देख सकते हैं, अगर उनके में प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है और आपके में नहीं आ रहा है तो ये आपको अपने मोबाइल में सेटिंग अप्लाई करनी है और सही हो जाएगा। और एक बात आपको यहां पर और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि कभी कभी होता है ना प्रॉपर नेटवर्क आते रहते हैं और कभी कभी यहां पर कुछ समय के लिए नेटवर्क, जैसे कि हमारा जहां पर टावर जहां है या जो कंपनी का हम सिम यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस होता रहता है, तो मेंटेनेंस के समय कुछ देर के लिए नेटवर्क जा सकते हैं, वो फिर ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, तो वो भी एक होता है। फिर इसके बाद आपको यहां पर बैक आ जाना है और अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है इस तरीके से कि वो प्रेस को दाब के रखेंगे की बटन को, तो इसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट करके एक बार फिर से अपने मोबाइल को आप ओपन कर लेंगे। आपका जो भी नेटवर्क इशू प्रॉब्लम था वो 100% जेन्युइन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा पूरा आपसे वादा है। अगर ही कुछ कारण होते हैं जिनके कारण मोबाइल में नेटवर्क इशू प्रॉब्लम होती है और वो सही हो जाएगी।